और आई होप बेटा आपको आसान लग रहा है ये क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करनी है। 763 को आपने 7 के साथ डिवाइड करना है, 7 7। अब ये जो 6 है ये नीचे आ जाएगा। अच्छा जब हम 6 नीचे लेते हैं और से देखिएगा 6 को 7 से स्मॉलेस्ट नंबर है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, हमें 3 भी इसी स्टेप में नीचे ड्रॉ करना होगा। तो अब आपने बात सीखी, प्रीवियस लेक्चर में भी सीखी थी, आज दोबारा रिपीट करता हूं बेटा कि अगर हमारे पास 2 डिजिट्स एक ही स्टेप में यहां नीचे आए तो बेटा हमें यहां पे क्वेश्चन में 1 0 ऐड करना पड़ता है। ओके बेटा, ये आपने स्टेप सेम में रखना है। अब ये नंबर 63 हो गया, 7 9 63, उनको माइनस करें तो 0 आता है, तो हमारे पास आंसर आ गया 119 रिमाइंडर 0। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 है आपके बुक में बेटा, पेज नंबर है 96, डिवाइड का ही क्वेश्चन है। ओके बेटा, अगेन 3 डिजिट नंबर को आपने डिवाइड करना है बेटा 1 डिजिट नंबर के साथ, तो स्टार्ट करेंगे हम यहां से, तो 7, तो 73 पे वो नंबर जो 6 के टेबल में आता हो, 6 1 6, 7 से 6 माइनस करें तो बेटा 1 होगा, और ये जो नंबर 3 है ये यहां नीचे आ जाएगा, तो ये नंबर 13 बन जाएगा। अब 13 आपने देखना है 6 के टेबल में आता है, तो आंसर इज नो। तो 13 के क्विकली वो कौन सा नंबर है जो 6 के टेबल में आता है, यस 12, 6 2 जा 12, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 2 यहां से यहां नीचे ड्रॉप हो जाएगा, तो ये नंबर 12 बन जाएगा। तो 12 6 के टेबल में कहां पे आता है बेटा, 2 पर, 6 2 जा 12, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो आंसर क्या होगा 122 रिमाइंडर 0। ओके बेटा, हमारा जो नेक्स्ट है वो है पार्ट नंबर डी, इसमें क्या लिखा हुआ है, 636 को आपने 4 के साथ डिवाइड करना है। इसी तरह फर्स्ट डिजिट से हम स्टार्ट करेंगे, 4 1 4, 6 में से 4 माइनस करें तो 2 आता है, ये 3 नीचे इस पोजीशन पर आ जाएगा, तो ये नंबर 23 बन जाएगा। 23 के क्विकली नंबर जो 4 के टेबल में आता हो, 4 5 20, इनको माइनस करें, 3 माइनस 0 इज 3, और ये 6 यहां से नीचे इस पोजीशन पे आ जाएगा, तो ये नंबर 36 बन जाएगा। और 36 4 के टेबल में कहां पे आता है, जी हां 9 पर, 4 9 36, माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 रह जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 159 रिमाइंडर 0। ओके बेटा, नेक्स्ट है पार्ट नंबर ई, 730 को आपने डिवाइड करना है बेटा 5 के साथ। सिंपल सी बात है, हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डिजिट से, 7, 5 1 5 होता है, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और ये 3 नीचे ड्रॉप हो जाएगा, तो ये नंबर 23 बन जाएगा। 23 के क्विकली वो नंबर जो 5 के टेबल में आता हो बेटा, तो दैट इज 20, 5 4 20, इनको माइनस करें 3 आ गया, ये वाला 0 आपने नीचे ले आना है। अब ये जब 0 यहां आएगा तो ये 30 बन जाएगा, और 35 के टेबल में कहां पे आता है बेटा, 5 6 30, तो 5 6 30, तो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या बना बेटा, 146 रिमाइंडर 0। ओके बेटा, नेक्स्ट है पार्ट नंबर जी, 864 को आपने 6 के साथ डिवाइड करना है, तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डिजिट से हम, 6 1 6 होता है बेटा, 8 माइनस 6 करें तो 2 आएगा, और ये वाला 6 नेक्स्ट डिजिट जो है ये नीचे आ जाएगा बेटा, तो ये नंबर 26 बन जाएगा। 26 के क्विकली नंबर जो 6 के टेबल में आता हो वो नंबर 24, 6 4 24, माइनस करेंगे तो 2 आएगा, और ये 4 भी नीचे आ जाएगा, तो अब ये जो 4 नीचे आया तो ये नंबर 24 बन गया। जी हाँ, 24 6 के टेबल में आता है, तो अब हम करेंगे 6 के टेबल में 4 में 24 आएगा, 6 4 24, माइनस करेंगे तो 0, तो आपका आंसर आ गया 144 रिमाइंडर 0, ये आपका आंसर है। आई होप बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम 3 डिजिट नंबर को 1 डिजिट नंबर के साथ डिवाइड किया करते हैं। अब आपने इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है बेटा, इंशाल्लाह कल हम अपनी जूम क्लासेस के अंदर भी क्या करेंगे, इनको दोबारा से सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। आप वहां पे भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप 1-to-1 होके आप हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं बेटा, से डिस्कस कर सकते हैं जूम क्लासेस के अंदर, तो इंशाल्लाह हम आपको वहां पे गाइड कर देंगे आपकी प्रॉब्लम्स। ओके बेटा, तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, क्वेश्चंस भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके बेटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।